नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसल फिसल। मन में विश्वास, रगों में समस बढ़ता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है उसे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी। ये ऐसी पंक्ति है जिससे हर किसी को शिक्षा लेना चाहिए। मेरे बहादुर, अपने अंदर में विश्वास डालो। दुनिया कितना भी कह दे कि तुमसे नहीं, और एक मैं विश्वास के साथ आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं, यकीन मानो वो कितना भी बोल दे आपको तुमसे हो सकता है, तुम कर सकते हो, तुम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हो। आप तब तक नहीं छू पाओगे जब तक आपके अंदर का विश्वास नहीं जगेगा। और जिसने खुद का विश्वास जग गया ना, तो फिर किसी को भी पछाड़ सकते हो, किसी को भी। तो आप सभी को अपने अंदर में विश्वास पैदा करना होगा कि मैं भी कर सकता हूं, I can also do it। तो फिर देखो, जिस दिन आपने ये सोचा, करना शुरू किया, यकीन मानो ब्रह्मांड का परमात्मा जो है, संसार का जो परमात्मा है जिन्होंने रचा, उसी दिन से तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है, उसी दिन से, उसी पल से। ऐसा विश्वास आप रखो, मैं विश्वास दिलाता हूं। तुम बस अच्छे संकल्प लेके रास्ते पे चलने की कोशिश करो, किसी का बुरा बस मत सोचना। यकीन मानो कोई साथ देना दे, ईश्वर तुम्हारा साथ उसी पल से देना शुरू करेगा। तो जब ईश्वर का साथ हो जाए तो क्या हम हार सकते हैं? नहीं बच्चे, कभी नहीं हारेंगे। तो आप तमाम बच्चों को ये विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि संकल्प लीजिए और वो आपसे पूरा होगा। और धरती का कोई इंसान कमजोर नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कोई कमजोर नहीं। यदि कोई कमजोर है तो इसलिए है क्योंकि वो काम चोर। तो चलो बच्चे, इनके बारे में मैं कहा ना, मैं बोलता रहूं तो शायद सब कम पड़ जाएंगे। तो आइए, आप सभी के स्वागत में कितने ताली बजाना चाहेंगे, मैं आपकी ताली की गूंज देखना चाहूंगा। जब मैं नाम बोलूं तो सच कहा जाए, तालियों की गूंज, और लगे कि सच में सक्सेस का परिणाम कितना सुनहरा होता है। किसी के लिए कोई ताली इतना खूबसूरत लगा सकता है, तो सच कहा जाए उसके सामने ये जो मेहनत है वो बहुत ही रोना पड़ जाता है। जो कष्ट आप झेलते हैं पढ़ने के दौरान वो बोना पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मिस्टर गोपाल गुप्ता, फादर्स नेम मिस्टर मनोज गुप्ता, इन बच्चों का जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा इसमें जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, जितने टैलेंट है, उसी टैलेंट का जोर के साथ यहाँ बैठे तमाम बच्चों को मिस्टर गोपाल गुप्ता। और क्या बात है महादेव, सच में ये मेरे क्या कहा जाए, जितना बोलूं मैं कम। शानदार, बहुत बढ़िया बढ़िया। माइक आपकी भाषा क्या हो? अरे ये बच्चे रेलवे में स्टेशन मास्टर, समर्पण के, देखो भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, समर्पण के कोई भी बच्चे, पहली बार तो जब स्टेशन पर जाइए तो डिसिप्लिन में जाइए, और इन केस यदि आप डिसिप्लिन तोड़े, मैक्सिमम बिना टिकटे का चढ़ जाता है, चढ़ना नहीं चाहिए, है ना? तो यदि कोई आपको मतलब गलत तरीके से पकड़ लिया, आप सही और आपको कोई गलत तरीके से पकड़ लिया, परेशान कर रहा है, तो गोपाल को याद कर।
मैं सबसे पहले सर का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि सर के लिए मोटिवेशन से कहिए या फिर उनके ज्ञान से कहिए कि हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम स्कूल से ही अच्छे स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं थे कि थे स्कूल टॉपर रहे, मैट्रिक में टॉपर रहे, अपने स्कूल में इंटर भी टॉपर रहे, तो एक अंदर से आता है कि हम तो पढ़ने बहुत ही बोले क्या हो गया। तो हम जैसे सर बोले किस तरह से तो हुआ क्या था, दो तीन टीचर के पास गए थे बात करने के लिए कि देखते हैं क्या बताते हैं, बताते हैं। तो मेरा एक दोस्त था सचिन झा, उस समय तो उन्हीं के साथ आए हुए थे कि जाते हैं सर पास, तो हम सर से पास आए, देखते क्या पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं देखने के लिए आए हुए थे। और मतलब नहीं होता, मैं फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हर एक कोई बिजनेस ही करता है, चाहे वो छोटा मोटा ही हो लेकिन दुकान ही करेगा। हम अभी इकलौते अपने पूरे खानदान में जो गवर्नमेंट जॉब है, आज तक कोई भी नहीं, हाँ बिजनेस में अच्छे अच्छे बिजनेस सब कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बस वही हुआ सर के पास आए बैठने के लिए, तो सर आज बैठे क्लास में थे, सर इतना अच्छा मोटिवेट करने लगे थे कि इधर का मैं कहीं और मैं जाता ही नहीं था, मतलब बस यहीं रहना है। और उसी बीच एक मेरा दोस्त था राजेश, था तो उनसे जुड़ गया, लेकिन इतना अच्छा दोस्ती था कि मत पूछो, कुछ भी खाना पीना उठना सब चीज सीखा होता था। और साथ में पढ़ने लगे, दोनों में इतना कंपटीशन का भावना आ गया कि मतलब तो हमेशा तक नहीं हम तुमको पीछे करेंगे तो हम तुमको पीछे करेंगे, हमेशा बस यही रहता। और हम आप लोग को भी यही कहेंगे लाइफ में बस एक दोस्त ऐसा जरूर बनाइए जो कि वो वाला जलस नहीं हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये हो कि तुम आगे बढ़े तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, तुम आगे बढ़े तो नहीं तुम आगे बढ़ गया तुमको पीछे खींचे, ये नहीं, हम भी आप उनसे आगे बढ़ के दिखाएंगे। तो वही चीज हुआ मेरे साथ और राजेश का, दोनों के साथ इतना गहरा रिश्ता हो गया, अच्छा खासा पढ़ते थे। बढ़ने का ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो लाइट कट जाता था, उस समय कुछ ज्यादा ही था और अंधेरा रहता था, तो यहाँ पे मिलते थे सर चाबी दे दिए, हम लोग पढ़ेंगे। और मेरा हम लोग का रोज ऐसा था, सीनियर लोग ऐसे लोग थे मतलब कुछ ज्यादा ही पार्टी शार्टी कुछ ज्यादा ही लोग होता था, इतना कि मतलब दिन रात पार्टी ही चलता रहता था, तो इसलिए थोड़ा सा और भी ज्यादा बहस गए थे उसमें और कुछ नहीं। और क्या होता है कि हर एक के जीवन में सफलता और सफलता लगी ही रहती है। हम अपने बात करें तो 3 बार MPS हर एक चीज करके छोटा छोटा चीज के लिए रह गया, 2 बार LDC सुनिए का, देखो 2 बार CPO में हर एक चीज, 98 कटक गया मेरा नंबर, 192 बस सॉरी 52 माने करते 152 ऐसा हुआ। क्या हुआ, फिजिकल में सब चीज कर लिए, हाई जंप नहीं कर पाते, मेरा फिजिकल कटऑफ कितना था 98 और लाइक कितना 152। सुने आप लोग, कट ऑफ 98 का नंबर कितना लाया 152, ताकत देख रहे हो। तो और कहां छटा जाके वहां छूट गए। उसके बाद 2014 में एक फॉर्म आया था बिहार एसएससी का, वो भरेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गए, तो 14,000 सीट था, 13,000 सीट था, 14,000 कट ऑफ का, तो 1,000 लड़का छुटाया, उसमें हम भी छट गए वो हो गया। उसके बाद फिर UPSI का एग्जाम आया हुआ था, तो UPSI का एग्जाम दिए, तो हर एक चीज उसका पास किया, मैं जितना एग्जाम था एग्जाम पास किया, फिजिकल फिजिकल जो भी था सब चीज पास करी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा ली, उसमें 0.5 नंबर उसमें भी छट गए। इतना सब चीज होने के बाद जब घर में बोलते थे ना तो मम्मी बोलने लगे क्या क्या मम्मी का था भोजपुरी तंग है, खाली बोला था रिजल्टे और ऐसा कर, मैं इतना पढ़ा लिखा चीज दुकानदारी नहीं करना चाहता, कोई प्राइवेट नौकरी कर ले, तो ऐसा हो गया। तो उसमें इतना टूट गए थे कि बच्चे, फिर लास्ट मेरा ऑप्शन रह गया था कि एंट्री, मेरे में क्या था कि एक अंदर से भी पूछ कहिए कुछ भी कहिए उसको, ताकि हम ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन लेवल का ही नौकरी लेना है, हमेशा अंदर में यही रहता कि नहीं ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन लेवल का ही हमको नौकरी लेना है। तो एक NTPC का लास्ट ऑप्शन था, और इसमें हम मेरे साथ एक अमित रह गया था, क्योंकि मेरे जितना भी ग्रुप का लड़का लोग था 2018 का ही वैकेंसी में सारे का नौकरी हो गया, एक भी ऐसा नहीं था, चाहे वो राजेश हो शुभम हो सोनू सभी का नौकरी हो गया कुछ न कुछ। तो एक अमित था तो उसके साथ सेट मारते थे, आप लोग एक सेट मार के थक जाते हैं, हम पर डे 6 सेट मारे NTPC के। तो यूसी का मेरी जाए कि मेरा NTPC के PT में भी 94 नॉमिनेशन स्कोर है, वो 94 पे पढ़ाया था 100 में नॉमिनेशन करके,
82 था रॉ मार्क्स, मुझे ऐसा करके 84 पहुंच गया। 82 रॉ मार्क्स, 82 100 में, जब नॉर्मलाइज हुआ तो 94। और उसके बाद फिर यूपीएसआई में कितने नंबर से छूटा था वो नहीं बताया, यूपीएसआई बताया 0.5। सुने आप लोग, यूपी का दरोगा सब हल्ला कर गया था, दरोगा बन गया दरोगा, पूरे गांव हल्ला था। मेरे गोतिया तो घर में पहुंच गई थी, मम्मी बोले आए हो बेटा नौकरी लग के रोटी खा लो। ऐसा था कि उसका पूरा मोहल्ला मोहल्ला हो गया था कि बेटा दरोगा बन गया, दरोगा बन गया, दरोगा बन गया। उसके बाद कुछ नहीं बात फिर 82 एग्जाम दिया, 82 में 90.49 नंबर आया हुआ था 120 में, और थोड़ा सा लेवल भी हाई कर दिया था इसलिए अचानक से फिर हो गया था। तो इसमें भी इतना मेरा बेट लग था कि सीए का पोस्ट था इसमें 16, तो उसमें भी एक नंबर के लिए चुन लिया। इतना बेट लग, तो सीए का बोल जाता है तो फिर वही लास्ट में फिर ऐसा स्टेशन मास्टर बना हुआ है, बस यही है मेरा बहुत ही उतार चढ़ाव का। और हम आप लोगों को यही कहेंगे कि बस सफलता पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मेहनत और कंटिन्यूटी होना चाहिए, चाहे आपका कितना भी किस्मत खराब क्यों ना, अपनी मेहनत से है ना उसको आप बदल दीजिएगा। मेरे साथ यही है, ऐसा नहीं था कि हम पढ़ने में कमजोर थे, बचपन से ही मतलब तो अच्छे पढ़ने में थे, और मेरे ग्रुप का जितना भी लड़का था सब ग्रुप में लेकर पढ़ते थे, यहाँ पर यहाँ भी हो गया तो हम लोग एक स्पेशल रूम ले लिए थे, 6 लड़का मिलते कि नहीं 6 लड़का उनके सामने पढ़े, तो 2 बजे आते थे 9 बजे तक वहाँ रहते थे, 2 बजे से 9 बजे एक स्पेशल रूम लेकर पढ़ते थे। तो जितना था उस पांचों का जो हो गया तो 2000 फ्रेंड वैकेंसी हुई, हम फोन तक नहीं भरे थे कि नहीं हमको ग्रेजुएशन लेवल का जो हो गया ना इस चीज को लेकर। तो सही है कि बस आप लोग भी आज ना कल सफल होइएगा, बस यही है कि आप मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी अपने आप में लाए रखिए। कहते हैं ना कि अगर सफलता पाना है तो सफलता के सड़क पर आपको चलना ही। बहुत बहुत बधाई मिस्टर गोपाल गुप्ता, गोपाल के रिजल्ट का इंतजार मैं कई दिनों कई महीनों कई वर्षों से कर रहा था कि इसे कमजोर से कमजोर बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन गोपाल गुप्ता जब नहीं आ रहे था मेरे इतने गरीबी बच्चे तो बड़ा ही दुख होता था। लेकिन मानिए एक जो पिता होते हैं ना, यदि उनके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और दोनों ने परीक्षा दिया और एक बेटा उसका पास कर गया और एक बेटा फेल कर गया, तो बाप को पास होने से ज्यादा जो बेटा फेल कर गया उसको लेकर बहुत दुखी हो जाता है और हमेशा साथ फेल वालों का देता है। एक सच्चा शिक्षक भी, कई ऐसे बच्चे आते थे सफल होके अपना सफलता का न्यूज सुनाते थे, लेकिन जब हम इनके बारे में सोचते थे तो बड़ा तकलीफ होता था। और बच्चे एक नहीं कई ऐसे आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रथम यानी इतिहास रच रहे हैं कि मेरे खानदान में कोई सरकारी जॉब करने वाला नहीं था। तो मुझे इस बात का गर्व है कि समर्पण के बच्चे सिर्फ सफलता नहीं बल्कि इतिहास रच रहे हैं, कि कितनी गर्व की बात है, पूरे समाज को आईना दिखा रहे हैं, पूरे समाज को बदलने में लगे। I'm